झांसी आए डिप्टी सीएम ने कहा माफियाओं के सरगना अखिलेश यादव। झांसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हुआ आगमन। बीजेपी कार्यालय तहसील पर उपस्थित होकर पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा हमारी सरकार में कोई भी अपराधी हो या कोई भी माफिया उनके खिलाफ कार्रवाई होती है उनकी पूजा नहीं होती। अखिलेश यादव माफियाओं के सरगना है दबंगइयों के सरगना है उनके द्वारा इस प्रकार के बयान आना कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती। वह रोज ही इस प्रकार के बयान देते हैं अपराधियों का साथ छोड़ दें तो उनके लिए इस प्रकार का कोई मुद्दा नहीं रहेगा। झांसी से संवाददाता सोनू साहू चटर्जी अमित साहू की खास रिपोर्ट। देखो पहले तो आप ये जान लो उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अपराधी होगा कोई भी माफिया होगा हमारी सरकार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है उनकी पूजा नहीं होती है नंबर एक। और श्री अखिलेश यादव जी चूंकि अपराधियों के सरगना है माफियाओं के सरगना है दंगाइयों के सरगना है तो उनके द्वारा इस प्रकार के बयान आना कोई मुझे आश्चर्यजनक नहीं लगता। वो रोज इस प्रकार के बयान देते हैं अपराधियों का साथ छोड़ दें तो उनके पास कोई ऐसा विरोध के लिए मुद्दा नहीं रहेगा। अध्यक्ष जी पीएफआई को लेकर विपक्ष लगातार घेर रहा है उसका कहना ये है कि द्वेष भावना से कार्रवाई की जा रही है। देखिए पीएफआई एक देश में हिंसा फैलाने वाला देश के खिलाफ साजिश करने वाला और देश की एकता अखंडता को खतरा पहुंचाने वाला ऐसा संगठन जांच में पाया गया है और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने भारत सरकार को यह अनुरोध भेजा था कि ऐसे संगठन को प्रतिबंधित करना चाहिए जो समय समय पर हिंसा फैलाते हैं। तो ऐसे संगठन को प्रतिबंधित किया गया है जो केवल मुस्लिम वोटों की फसल काटना चाहते हैं उनको आने वाले समय में इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। और हिंदू की कौन कहे उनको मुसलमान भी वोट नहीं देगा क्योंकि मुसलमानों में भी एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो पीएफआई के विरोध में है। यार अभी प्रेस वार्ता होनी है ना।